Hello dear students, I hope you all are in pink of your health. Today I am going to pick a complex topic of English grammar, and that is narration. Though it's not complex, but it is, I can say, lengthy. Fine, बच्चों के लिए complex होता है ये, even teachers के लिए भी होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा rules हैं grammar के, ठीक है, जो हमें याद रखने पड़ते हैं. Fine, और फिर उनको logically sentences में fit करना पड़ता है. चलिए नरेशन के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नरेशन जब मैं अपने क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करती हूँ, मैं हमेशा उसको रोल प्ले से इंट्रोड्यूस करती हूँ. आई ऑलवेज मेक थ्री पीपल स्टैंड, ठीक है, फिर उनको एक सेंटेंस देती हूँ, फिर फर्स्ट पर्सन को बोलती हूँ दूसरे को बोलो, फिर दूसरे को बोलती हूँ जाओ सेम बात जाके तीसरे को बता कर आओ, तो तुम कैसे बताओगे. तो अब इस चार्ट के थ्रू आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है. एज़ यू ऑल नो, वी डू नॉट हैव स्टूडेंट्स इन द स्कूल एट द मोमेंट, तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया है. इसमें फर्स्ट पर्सन का नेम रिद्धि, सेकंड अंकित और सुहाना रखा है. टोटली फिक्शनल नेम्स हैं, ठीक है, मेरे किसी भी स्टूडेंट का ये नेम नहीं है या होगा मुझे नहीं पता, मैंने फिक्शनल इमेजिनेटिव नेम्स रखे हैं, ठीक है. सो जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम, ऑब्वियसली फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है, उसको हम स्पीकर बोलते हैं, ठीक है, या उसको हम रिपोर्टर भी बोलते हैं, रिपोर्टर भी बोलते हैं नरेशन की भाषा में, ठीक है. जो दूसरा पर्सन होता है वो लिसनर प्लस स्पीकर दोनों होता है, और जो तीसरा पर्सन थर्ड पर्सन होता है वो लिसनर होता है. अब जो फर्स्ट पर्सन होता है, ऑब्वियसली उसने बात को सबसे पहली बार बोला होता है, ठीक है, तो उसकी जो स्पीच होती है वो हमेशा डायरेक्ट स्पीच होती है, हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में होती है, क्योंकि सबसे पहली बार बात को उसने बोला है. जो सेकेंड पर्सन होता है वो बात को सुनता है, ठीक है, उस फर्स्ट पर्सन की बात को सुनता है और उसको जाके थर्ड पर्सन को बताता है, ठीक है. और जो थर्ड पर्सन है वो कुछ बोलता नहीं है, वो सिर्फ सेकंड पर्सन की बात को सुनता है जो कि वो फर्स्ट पर्सन के बारे में कह रहा है. अब इसकी एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट पर्सन रिद्धि है, वो कहती है रिद्धि सेज आई वांट टू लर्न फ्रेंच, ठीक है, ये बात अंकित ने सुनी. अब ये बात अंकित जो है वो लिसनर बन गया, प्लस वो स्पीकर है, क्योंकि वो यही बात जाके सुहाना को बताता है. लेकिन जब वो ये बात जाके सुहाना को बताएगा, वो ये थोड़ी कहेगा आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, इससे तो सुहाना को लगेगा कि अंकित फ्रेंच सीखना चाहता है. तो हमें सेंटेंस में जो सेकंड पर्सन है उसको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे, ताकि जो थर्ड पर्सन सुहाना है उसको समझ में आए कि ये बात रिद्धि के बारे में हो रही है, ना कि अंकित के बारे में. अंकित फ्रेंच नहीं सीखना चाहता, रिद्धि सीखना चाहती है. तो अंकित उस बात को कैसे बोलेगा, रिद्धि सेज दैट शी वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच, ठीक है, कि फ्रेंच जो है उसको रिद्धि सीखना चाहती है. अब अगर वहाँ पे अंकित पूरी बात नहीं बोलता, वो सीधे ही बोल देता है, डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्टली बोल देता है आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, तो ये सेंटेंस जो है, जो उसकी बात है, मीनिंगलेस हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. सुहाना को लगेगा कि अंकित फ्रेंच सीखना चाहता है, लेकिन सीखना कौन चाहता है, रिद्धि सीखना चाहती है. तो जब हम किसी की कही हुई बात को किसी थर्ड पर्सन को जाके बताते हैं, उसको नरेशन कहते हैं, ठीक है. और नरेशन जब हमने करनी होती है, तो हम सेंटेंस में थोड़े से चेंजेस करते हैं, ताकि हमारी बात की क्लैरिटी हो जाए थर्ड पर्सन को. लेकिन वो चेंजेस जो हैं वो सिर्फ नाउन प्रोनाउन वगैरह टेंस के चेंजेस हो सकते हैं, हम उस पर्सन की कही हुई बात को नहीं बदल सकते. हम ये नहीं कह सकते कि रिद्धि वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश और लर्न मैथ्स और समथिंग लाइक दैट. जो उसका मेन डायलॉग है हम उसको चेंज नहीं करते, हम प्रोनाउंस को चेंज कर देते हैं, ठीक है. प्रोनाउंस तो सबको मालूम है, फाइन, नाउन की प्लेस पे जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं दे आर नोन एज प्रोनाउन. आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा सर्वनाम, जिसको आप हिंदी में कहते हो, संज्ञा की जगह पे यूज़ होता है. तो प्रोनाउंस जो है सबसे बड़ा रोल नरेशन में उनका है, प्रोनाउंस चेंज करते हैं हम लोग, फाइन. और उसके बाद हम टेंस चेंज करते हैं, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखना होता है कि जब डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएं, तो मीनिंग में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. जो मीनिंग डायरेक्ट स्पीच का है वही मीनिंग इनडायरेक्ट स्पीच का होना चाहिए. अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जो डायरेक्ट स्पीच है, रिद्धि सेज आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच, रिद्धि सेज दैट शी वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच, दोनों का मीनिंग एब्सोल्यूटली सेम है. अगर मीनिंग सेम नहीं है, इट मीन्स आपका आंसर गलत है. आपने डायरेक्ट से जो इनडायरेक्ट बनाया वो गलत है. क्लियर? आफ्टर दिस आपको समझ आ गया होगा कि नरेशन जो है ये सबसे ज़्यादा हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं.
क्योंकि जब भी हम किसी ग्रुप में बैठ के बात करते हैं, किसी से बात करते हैं, ऑब्वियसली वो बात आगे तक पहुंचती है, और उसको जब हम आगे तक पहुंचाते हैं या कोई और पहुंचाता है तो नरेशन का यूज़ होता है, और सारी लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी में, पंजाबी में, सब लैंग्वेजेस में होता है। तो नरेशन सबसे ज़्यादा हमारे लाइफ में यूज़ होती है, ठीक है। जैसे आपकी टीचर आपको कई बार कहे कि आई जस्ट वॉन्ट टू अनाउंस इन फ्रंट ऑफ यू चिल्ड्रन दैट टुमारो इज़ अ हॉलीडे, सपोज टीचर ऐसा कह रही है, तो टीचर जो है शी इज़ द फर्स्ट पर्सन, शी इज़ द स्पीकर ऑफ दैट डायलॉग, ओके। आप जो हो आप सेकेंड पर्सन हो, आप लिसनर हो, आपने टीचर की बात सुनी, आप घर जाके अपनी मदर को बताते हो, ठीक है। अब आप मदर को जाके ये थोड़ी कहोगे स्टूडेंट्स आई वॉन्ट टू अनाउंस दिस एंड दिस दैट टुमारो इज़ अ हॉलीडे, तो मदर कहेंगे कि ये क्या हो रहा है। आप ऐसे नहीं कहोगे, आप बात को, बात में प्रोनाउंस को चेंज कर दोगे। आप कहोगे कि मम्मा टीचर वॉज टेलिंग अस दैट टुमारो इज़ अ हॉलीडे, टीचर ने बताया है, टीचर ने हमें बताया कि हॉलीडे है। अब आपने टीचर की बात मदर तक पहुँचाई है, यानी कि आप नरेटर हो, आपने टीचर की कही हुई बात को अपनी मदर को नरेट किया है। सो इन दिस वे हम अपनी डेली लाइफ में नरेशन का यूसेज सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड दैट वॉट इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इस एक टॉपिक के तीन नाम हैं, हम इसको नरेशन भी कहते हैं, हम इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कह देते हैं, हम कई बार इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कह देते हैं, ठीक है। तीनों इसी के ही नाम हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ही, नरेशन के अंदर दो तरह की स्पीचेस यानी दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। पेपर में कई बार हमें डायरेक्ट स्पीच आती है, हमने इनडायरेक्ट बनानी होती है, कई बार इनडायरेक्ट आती है, डायरेक्ट बनानी होती है, कई बार पूरा एक पैराग्राफ आ जाता है, उस पूरे पैराग्राफ को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होता है, कई बार फिलअप फॉर्म में आ जाता है, कई बार MCQ फॉर्म में आ जाता है, कैन कम इन एनी फॉर्म। लेकिन अगर आप सारे रूल्स रेगुलेशंस जो भी इसके हैं उसके साथ अगर आप हैंडी हैं, आपको सारे समझ आ गए हैं, तो आप इसको किसी भी फॉर्म में कर पाओगे, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट वॉट इज़ अ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मीन्स द वर्ड्स सेड बाय द फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन ने बात कही है। व्हेन वी कोट समवन्स एक्चुअल वर्ड्स, ठीक है, किसी के कहे हुए वर्ड्स को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते, एज इट इज़ लिख देते हैं, तो हम उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे हमारी फर्स्ट वाले में था, रिद्धि सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच फुल स्टॉप एंड देन कॉमास क्लोज, तो वो डायरेक्ट स्पीच है। रिद्धि ने जो बात जैसे बोली हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। इस तरह की डायरेक्ट स्पीच आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगी, स्पेशली जब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसमें न्यूज़पेपर वाले कोई चेंजेस नहीं करते, तो उसको एज अ हेडिंग दे देते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो वो डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि एज इट इज़ जो डायलॉग उन्होंने बोला वही डायलॉग उन्होंने प्रिंट कर दिया। लेकिन उसी डायलॉग के नीचे जब एक्सप्लेनेशन देते हैं वो आर्टिकल के अंदर न्यूज़पेपर में, तो वो सारी एक्सप्लेनेशन जो होती है वो इनडायरेक्ट स्पीच में होती है, फिर वो उनकी बात को एक्सप्लेन करते हैं और उसको और ज़्यादा हमें एक्सप्लोर करके बताते हैं, तब वो सारी जो आर्टिकल है वो इनडायरेक्ट में हो जाता है, फाइन। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, व्हेन द वर्ड्स ऑफ समवन आर रिपोर्टेड बाय समवन एल्स इन देयर ओन वर्ड्स, जब किसी की कही हुई बात को हम किसी और को जाके बताते हैं और उसको अपनी भाषा में रिपोर्ट करते हैं, यानी कि उसमें चेंजेस करते हैं, तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे रिद्धि सेज दैट शी वॉन्ट्स टू लर्न फ्रेंच, अब ये रिद्धि की कही हुई बात किसी सेकेंड पर्सन ने किसी थर्ड को जाके बताई और उसमें प्रोनाउन के चेंजेस कर दिए, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, क्लियर। Dear students, now the next point is let's understand the parts of direct speech. In the picture, you can see that I have written a sentence. She said to me, I am going to Jaipur. This is a direct sentence. ठीक है, और direct sentence हो या indirect sentence हो, ये हमेशा दो parts में divided होता है। आप देख सकते हो शी सेट टू मी कॉमा, ये जो कॉमा है ये एक सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक कॉमा से पहले वाला सेंटेंस है जिसको हम रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं, क्लॉज का मतलब होता है सेंटेंस, और एक कॉमा के बाद वाला सेंटेंस है जिसको हम रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको डायरेक्ट स्पीच को डिवाइड करके बता रही हूँ, ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है, एग्ज़ाम में इसका कोई लेना देना नहीं है, जस्ट आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। अब रिपोर्टिंग क्लॉज जो है, कॉमा से पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करने होते, उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्टेड क्लॉज में चेंजेस करते हैं और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर जो सब्जेक्ट है उसको हम रिपोर्टर बोलते हैं, यानी कि स्पीकर, क्योंकि वही बात कर रहा होता है, ठीक है। सेड टू इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड हो या सेड टू हो या सेज हो या टेल हो, विल हो, टेल तो नहीं होता, विल हो या कोई भी ऐसा यहाँ पे वर्ब आता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मी जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है शी सेड टू मी, उसमें एक आ गया सब्जेक्ट यानी कि शी जिसको रिपोर्टर कहते हैं, एक आ गया रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू और एक आ गया ऑब्जेक्ट मी। अब कॉमा के इधर जब हम आ जाए दूसरे सेंटेंस में जिसको हम रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं, आई एम गोइंग टू जयपुर, इसके अंदर भी एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है जो कि आपको पिक्चर में विजिबल है और टू जयपुर इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये होगी डिविजन एक सेंटेंस की। अब जब हमें इसकी क्लैरिटी है तो फिर हम इसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, नाउ लेट्स सी द रूल्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट, डायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज एनक्लोज्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमास एंड अ कॉमा इज ऑलवेज यूज्ड टू सेपरेट द डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द रिपोर्टिंग क्लॉज। हम इसे प्रीवियस वाले स्लाइड में देख चुके हैं कि रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, और हम ये भी देख चुके हैं कि डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। ठीक है, और उन पैर में एक कॉमा होता है जो कि दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को, टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को डिवाइड कर देता है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट होता है डायरेक्ट स्पीच के अंदर उसको हम रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं, और जो सेकेंड पार्ट होता है उसको हम रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं। सेकेंड इज़ इन इनडायरेक्ट स्पीच नो इन्वर्टेड कॉमाज आर यूज एंड नो कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट द रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रिपोर्टिंग क्लॉज। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तब भी उसमें दो सेंटेंसेज होते हैं, लेकिन उसमें जो एक पैर में कॉमा हम डालते हैं वो नहीं होता नॉर्मल वाला कॉमा, उसकी जगह कोई कंजक्शन होती है, कोई लिंकर होता है, जैसे कि दैट दैट होता है। ठीक है, तो और जो इन्वर्टेड स्पीच होती है वो कभी भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं होती। सपोज़ आपने एग्ज़ाम में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दिया और बिल्कुल सही बनाया लेकिन इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, यू विल नॉट गेट एनी मार्क। ठीक है, नंबर थ्री है द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ नेवर चेंज। प्लीज़ रिमेंबर, जो हमारा डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त जो हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज है और उसके अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो कभी चेंज नहीं होता। हम रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर कोई चेंजेस नहीं करते, हम रिपोर्टिंग क्लॉज के हिसाब से डायरेक्ट स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली लाइन होती है उसमें चेंजेस करते हैं, जिसको कि हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतना सारा रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच ऐसा कुछ बोल रही हूँ, ये आपको तभी समझ आएगा जब आप इससे प्रीवियस वाली स्लाइड को ध्यान से समझ लोगे कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, नंबर फोर है अ कॉन्जक्शन इफ़ नेसेसरी इज़ यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कोई ना कोई कॉन्जक्शन लगाते हैं, जैसे कि दैट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में इफ़ लगाते हैं। ये सारे रूल्स जो मैं आपको समझा रही हूँ ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते हैं या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। Now next rule is when direct speech is changed into indirect speech, the following are changed according to some rules. Certain rules means some rules. अब क्या क्या changes होते हैं? Personal pronouns change हो जाते हैं, ये तो हमने पहले पढ़ लिया। Possessive adjectives, my, your, ये सब change हो जाता है। Word denoting nearness of time, today and now, ये भी change हो जाते हैं। और nearness of position बताने वाले words, this, there वगैरह, इन सब में भी चेंजेस हो जाते हैं, जो हम प्रैक्टिस में देखेंगे कि चेंजेस कैसे होते हैं। हाँ जी, जो नेक्स्ट याद रखने वाली चीज़ है, जो सबसे मेन चीज़ है नरेशन में, वो ये है कि नरेशन में जो पास्ट टेंस है उसको मैं किंग बोलती हूँ, कि पास्ट टेंस राजा होता है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस में हम चेंजेस करते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस होता है उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच विल रिमेन अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, पंकज सेज द टीचर डिड नॉट लूज टेम्पर। पंकज सेज दैट द टीचर डिड नॉट लूज टेम्पर। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर हम देखें, पंकज जो है वो सब्जेक्ट है, सेज इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब सेज का जो टेंस है दैट इज़ प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस होने की वजह से जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस है, जब हम उसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बाहर सेज वर्ड आया हुआ है। ठीक है, तो अंदर वाला सेंटेंस सेम ही रहा, खाली इन्वर्टेड कॉमास हमने हटा दिए, द टीचर डिड नॉट लूज टेम्पर। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, द प्रिंसिपल हैज सेड मिसेस चावला विल मेक एन एक्सीलेंट टीचर। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ठीक है, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द प्रिंसिपल, हैज़ सेड इसमें हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और हम देख सकते हैं हैज़ सेड का मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो अगर प्रेजेंट टेंस है तो हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे।
तो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, द प्रिंसिपल हैज सेड दैट मिसेस चावला विल मेक एन एक्सीलेंट टीचर. नाउ दिस विल बिकम इनडायरेक्ट स्पीच. हमने कोई भी चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो प्रेजेंट टेंस में था. अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पास्ट में होता तो हम अंदर चेंजेस करते. नरेशन में जितने भी चेंजेस मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ वो सारे चेंजेस सिर्फ और सिर्फ तब होंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा. ओके, नाउ लेट्स सी वन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर टेंस. द टीचर विल से क्लास 10 स्टूडेंट्स नीड एक्स्ट्रा अटेंशन. इसमें द टीचर सब्जेक्ट है, विल से रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब हमारा फ्यूचर टेंस में है, ये हमें विल वर्ड से पता लग रहा है. तो इसलिए जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली लाइन है, जो अंदर का सेंटेंस है, क्लास 10 स्टूडेंट्स नीड एक्स्ट्रा अटेंशन, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है, उसका टेंस फ्यूचर है, इसलिए अंदर कोई चेंज नहीं होगा. ओके, नाउ लेट्स सी सम चेंजेस विच वी विल डू ओनली व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट. ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस में हम ये वाले चेंजेस करेंगे. अगर आपको डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इनडेफिनेट में दी हुई है तो आप उसको पास्ट इनडेफिनेट में चेंज कर दोगे. अगर आपको डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दी हुई है आप उसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दोगे. अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में दी है आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दोगे. लेकिन ये सारे चेंजेस, फिर मैं बार बार यही बात आपको बता रही हूँ, तभी होगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है. अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इनमें से कोई चेंज नहीं होगा, वो सेंटेंस एज इट इज़ रह जाएगा जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में किया. और ये सारे रूल्स आपको काफ़ी भारी भरकम लग रहे होंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब बड़े ईजिली आपको समझ आ जाएंगे. अगर आपको ऑलरेडी दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा. अगर पास्ट इनडेफिनेट में है पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा. यानी एक एक स्टेप हम आगे चलते जाएंगे. अगर पास्ट परफेक्ट में है तो कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा. अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा. अब नरेशन समझने के लिए आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि टेंस आपको आते होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब अगर आपको टेंस क्लियर नहीं है तो नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस कुछ भी क्लियर नहीं होगा. ठीक है, कुछ और चेंजेस हैं जैसे विल और शैल, वुड और शुड में चेंज होता है, मे माइट में, कैन कुड में, दिस दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर दस एंड सो, ये वाले चेंजेस होते हैं. डायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते वक्त हम ये वाले चेंजेस करते हैं. कुछ और चेंजेस हैं यहाँ पे, नाउ देन में चेंज होगा, एगो बिफोर में, दिस डे टुडे दैट डे में, टुमारो द फॉलोइंग डे या फिर नेक्स्ट डे में, येस्टरडे द प्रीवियस डे में, मस्ट हैड टू में चेंज हो जाएगा. अगर ऑलरेडी मॉडल दिया हुआ है, शुड कुड वुड माइट दिया, तो कोई चेंज नहीं होगा. ओके, वो एज इट इज़ रहेगा. नो चेंज इवन इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस. अब एक और इसमें एक्सेप्शन है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो भी एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता है. जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, अगर ये सेंटेंस कहीं पे भी लिख के आ जाता है डायरेक्ट स्पीच में तो इसको इनडायरेक्ट बनाते वक्त इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. ठीक है, पूरे यूनिवर्स में जो सन है वो ईस्ट से ही राइज करता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा. प्रोवर्ब्स में कोई चेंज नहीं होगा, प्रोवर्ब्स होती हैं हमारी कहावतें. मैथमेटिकल फैक्ट में 1+1=2 कोई चेंज नहीं होगा. हिस्टोरिकल फैक्ट में चेंज नहीं होगा. हैबिट्स में कोई चेंज नहीं होगा. अब इस वीडियो में मैंने आपको रूल्स बहुत सारे बताए हैं पर मैंने कोई एग्जांपल्स नहीं दी, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप इस वीडियो को जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी नरेशन की प्रैक्टिस वाली वीडियो, उसके साथ आप कनेक्ट करके देखना. पहले सारा रूल्स वाला वीडियो देख के समझ लेना, फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको रूल्स और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगे. एक्चुअली प्रैक्टिस वाला वीडियो उसको प्रॉपरली क्लियर कर देगा कि कैसे यूज़ करने हैं रूल्स. ओके, होपफुली रूल्स आपको प्रॉपरली क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, प्रैक्टिस वीडियो के साथ जल्दी मिलती हूँ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.